आज का प्रोग्राम अच्छा हो गया। पार्वती की आत्मा भी राजी हुई होगी। आ अमित बैठ। हाँ अमित, के बता रहा था तू? बाबूजी, मैंने फिजियोथेरेपी में थीसिस लिखी है, वो ऑल इंडिया एमपीटी रैंकिंग में फर्स्ट रही है। शाबाश भैया, यह एमपीटी के होश है। इसका मतलब से मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। यो पोलियो ते बीमार लोग में जान डालने का कोर्स है यो बाबूजी। आज के बालक भी होशियार हो गए। बाबूजी राम राम। राम राम दीनू, राम राम। जो कुछ होगा बढ़िया होगा काल अदालत में। मिलॉर्ड, इस केस की सारी घटना मैं एक बार फिर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। प्रोसीड। ये भोली भाली लड़की जो दुखियारी और गरीब बनके इस अदालत के सामने खड़ी है, ये न जाने कितने युवकों को अपने जाल में फंसा चुकी है। ये एक जालसाज है, और उस दिन भी इसने मेरे मुवक्किल को एक सुनसान जगह पर बुलाया और उससे पैसे मांगे, और जब उसने पैसे देने से मना किया तो इस शातिर लड़की ने दिखाना चाहा कि उसके साथ बलात्कार की कोशिश की गई है, और इसने बड़े ही सोचे समझे ढंग से अपने कपड़े फाड़ लिए और इस रोड से उसका खून कर दिया। और जब वो तड़प रहा था तो पुलिस मौका ही वारदात पर पहुंची और इसे गिरफ्तार कर लिया। मृतक के अंतिम बयान दर्ज कर चुके और हथियार बरामद कर चुके इंस्पेक्टर राम सिंह को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। That's all, my lord. अदालत आखिरी फैसला लेने से पहले दोषी से जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। हकीकत मैं बताऊंगा जज साहब। सबसे पहले मैं अदालत में देर से आने की माफी चाहूंगा मी लॉर्ड। आप चिंता न करो, ठीक हो जाएगा। एक्चुअली मैं इस केस से जुड़े कुछ जरूरी सबूत इकट्ठे करने गया था। जज साहब, मेरे अजीज दोस्त मिस्टर वर्मा ने इस केस से जुड़ी कुछ झूठी सच्ची दलीलें पेश करी होंगी जो बेबुनियाद हैं। इस लड़की की बेगुनाही का सबूत इस डिब्बी में बंद है। जय आपकी इजाजत हो तो मैं आपके पेश करूं। इजाजत है। अदालत के साथ ये क्या मजाक? जो मजाक नहीं से जज साहब, यही हकीकत से। आप सोचो, जब एक नकली बिच्छू ने देख के आप इतनी बुरी तरह डर गए और हथौड़ा चला दिया जो आपने कुछ कह भी नहीं रहा था, तो इस बेचारी गरीब लड़की के साथ उस दिन क्या हुआ होगा जो चार चार हैवानात घिरी हुई थी। उस दिन रमेश अकेला नहीं था जज साहब, बल्कि चार लड़के थे जिसमें एमएलए भूरामल का लड़का चंदर भी शामिल था। मिलोर्ड, अपनी इज्जत बचाने के लिए ये जरा हुआ रोड इस लड़की ने फेंका जो रमेश के सिर में लगा, जिससे उसके शरीर में सेप्टिक फैल गया और रमेश ने टाइम पे इलाज ना मिलने की वजह से उसकी मौत हुई जज साहब। और जज साहब, अब आप इन चारों लड़कों के बारे में पूछोगे कि ये उस दिन कहां थे, तो आप पाओगे कि कोई शिमला में था, कोई मंसूरी में था, और मैं कहूंगा कि एक आध तो ये इंस्पेक्टर राम सिंह के साथ होगा। और रही पुलिस की रिपोर्ट, उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता जज साहब। दैट्स ऑल मी लॉर्ड। अदालत ने वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के दलीलों को ध्यान से सुना। इस केस से जुड़े हुए सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात ये अदालत राधा को कत्ल के इल्जाम से निर्दोष पाकर बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को आदेश देती है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यो तो होना ही था। कोर्ट इज एडजर्न्ड।
खुश रहे। नेता जी, मैंने तो कोर्ट का मामला बिगड़ता दिख रहा है, अपने छोरे ने बचा लियो। के हो गया कोर्ट में? आप बाबूजी ने मैनेज कर लियो, नहीं तो सारी भागदौड़ और चालाकी उरई धरी रह जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जब थारा छोरा चंदर सलाखा के पीछे होगा। लागे है मन ने ही राजनीति करनी पड़ेगी। ले भाई गर्मी बहुत है, घड़ी गर्मी है, ले भाई ठंडा ले। ले भाई देख भाई, वह मेरा बेटा से ताड़ी एक हाथ से ना बजे वृंदर। अपने बापू ने समझा कि इस केस की पैरवी ना करे। और रही थारी राजनीति में आने की बात, मैं धीरे धीरे पार्टी में तेरे लिए जगह बना दूंगा। लेकिन पहले बाबूजी से तो पूछ ले। बाबूजी तक के पूछूं? वो तो शुरुआती राजनीति के खिलाफ रहे से। देख भाई वीरेंद्र, एक हाथ ले दूसरा हाथ दे, यही राजनीति का पहला पाठ से। ठीक है, परसों आप आ जाओ, कल तो होली है। अंग अंग पैर अंग पर से अंग अंग पैर अंग पर से हो जा रंगीन नजारे। आओ सारे यारे प्यारे रंग जमावा मिल के सारे। रंग में जीवन के सब रंग, रंग के देखो सारे संग संग। दिखे एकता प्यार मोहब्बत,
रे होली का हुड़दंग रे। यासु, अरे एक फौजी की पत्नी है तू और नाम सावित्री, जिसकी मत से नारी जाति अबला नहीं रही। आई हेट टीयर्स। पापा आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे सो? बेटा हेडक्वार्टर में कुछ आतंकी कार्रवाई हुई है, इसकी वजह से ही मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। और हाँ सुन, माँ को दुखी ना करियो और मन लगा के पढ़ियो अपना। अच्छा ठीक से पापा, आई लव यू पापा। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। मने गर्व से बेटा तेरे पे और अपने कुनबे पे, जा और देश की सेवा कर। ठीक है बाबूजी। बाबूजी वैसे इब की बार आप लोगों के साथ में टाइम ज्यादा बिता नहीं सके। टाइम की के बात से बेटा, टाइम तो आनी जानी चीज से। तू देश की सेवा कर और फिर मार साथ तो यो पूरा कुनबास है। ताऊजी ताऊजी, मैं भी कल हॉस्टल जा रही हूँ। अरे वाह मेरे बेटे वाह। बेटे वहाँ जाके मन लगा के पढ़ियो। ठीक है बेटा। ठीक। अच्छा खुश रहो बेटा। ये लो भैया आपका सामान आ गया। वाह भाई वाह। अमित तेरा भी कुछ जाने का प्रोग्राम था, तो कब जा रहा है भाई? भैया मैं कल जा रहा हूँ। देख बेटा, तेरे लिए मैंने अपने हाथों से बूंदी के लड्डू बनाए हैं। टेम ते खा लियो, ठीक है? और अपने सेहत का ख्याल रखियो और मेरे गले फोन पे बात करते रहियो मेरा लाडला। लो बाबूजी आ गए। तैयार हो गया बेटा? बाबूजी पाए लागू। खुश रहे। विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे 5 days एडवांस। मेरा जन्मदिन। हाँ बेटा, जिस दिन आप हमें मंदिर में मिले थे वही दिन बाबूजी ने आपका जन्मदिन निश्चित कर दिया था। सब प्रभु। आज तुम जो कुछ भी हो बाबूजी की देन हो। बाबा बाबा। हाँ बेटा बोल।
वीरेंद्र चाचा और मधु चाची से कोई नेताजी अंकल मिलने आए हैं। और यो देखो, मुझे एक चॉकलेट भी दी। मिलन तो वो किसी और ताया से बेटा, यो तो एक जरिया से इस घर में घुसन का। खैर तू जा। ठीक से बाबा। जयराम जी की बाबूजी। आओ एमएलए साहब, कहिंदा आना हुआ। कुर्सी खाली दिखी तो बैठ गया। मैं थारे से विनती करने आया हूं बाबूजी कि थम मारे बेटे के केस से हट जाओ। इसकी के जरूरत है? तू अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दे। माना कि मेरे बेटे से गलती हो गई तो क्या अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दूं? अच्छा, यो जिंदगी का मतलब सिर्फ तू ही समझे से? वह बच्ची किसी इंसान की बेटी नहीं जिसकी जिंदगी तेरे बेटे ने खराब कर दी। बाबूजी, थारे बेटे से भी गलती हो सकती है। और ये मत भूलना कि घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है और सबके पास घुटना और पेट होवे है। आप मेरी हैसियत को जरा ध्यान में रखकर सोचो बाबूजी। तो इस 50 साल की उम्र में यो 18 महीने का जीवन तने ही अपनी हैसियत दिखन लग गया। हाँ वीरेंद्र बोल, कहिंदा आना हुआ? बाबूजी, मैं कुछ लेना आया था, भूल गया। और कुछ? चालू। छेद तो थारी थाड़ी में भी हो सके बाबूजी। जा, वाह मेरी तकदीर। और सुन बुरामल, बढ़ती हैसियत और बढ़ते रुतबे के साथ गरीब की इज्जत करना भी सीख ले, काम आओगा। जा। तू आड़े क्यों गड़ रहे से? अड्डे सेवे सके? चल। ससुर। राम राम बाऊजी। राम राम किशोरलाल जी, सब ठीक ठाक है? जी, अनाज और इफको खाद आ गया बाऊजी। आराम था भाई, संभाल के। हाँ ठीक से। अच्छा, यो हमारी बार एसोसिएशन ने मारा घर के लिए 51,000 रुपए का चेक दिया से, बैंक में जमा करवा। मैं जमा करा दूंगा। और खान चाचा के गले का क्या हाल से? उनको श्यामलाल जी हॉस्पिटल लेके गए से। हाँ जी, राम राम। और सब ठीक ठाक सो? अच्छा, बाकी लोग तो मिल लिया? हाँ जी, चलो। नमस्ते बाबू जी। मास्टर जी ठीक हो? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो। और दवा वगैरह भेजी थी? जी हाँ। असर कर रही है? जी हाँ जी हाँ जी। वो जो फल फ्रूट का डिब्बा है जी, किशोरी लाल जी दे दियो। जी बाबू जी। तो मैं चलूं? कोई बात हो तो बता दियो। जी बाबू जी। और अपनी सेहत का ख्याल रखो। जी जी। जय राम जी। राम राम। भाभी, बाबूजी चाय के लिए कह रहे हैं और वृंदा तने अंदर बुला रहे से। हाँ हाँ, अभी जाऊँ। सुना नहीं? हाँ मम्मी, इब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी जाती हूँ। जाती का क्या मतलब है? इभी जा। अच्छा अच्छा, जाती हूँ। बाबा ने बुलाया मतलब बुलाया। बाबा आपने बुलाया? हाँ बेटा, आजा। पढ़ रही थी ना तू? शाबाश, ये ले इनाम। गिफ्ट? वाओ, मेरे लिए? हाँ, यो पढ़ाई को इनाम से। थैंक यू बाबा। खुश रहो बच्चा, बस पढ़ाई करो हैं। बाबूजी, बाबूजी लीजिए आपका फोन। हेलो। हेलो बाबूजी, आपके जाने के बाद भूरामल जी आए थे आश्रम के लिए, 51,000 रुपए का चेक देके गए सर। साथ में वीरेंद्र भी था। किशोरीलाल जी, ये पैसा किसी का घर बसाने नहीं दिया जा रहा, बल्कि उजाड़ने दिया जा रहा है जी। आप इस चेक ने बैंक में मत डालियो। जी बाबूजी। वीरेंद्र कित है? जी वो अभी आए हैं।
वृंदर वृंद जी बाबूजी, मेरे इतने समझा देने के बाद भी तेरे बात समझ में नहीं आ रही। तने बेरा तेरे कंधा पे बंदूक रख के गोली किद्दा की जा रही से? मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। यही 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 दुर्भाग्य से तेरा कि तू सब कुछ समझते हुए कुछ नहीं समझ रहा। भूरामल के साथ गया था ना तू आश्रम में? हाँ बाबूजी, पर भूरामल जी ने वो पैसे तो गरीबा की खातर दिए थे। अच्छा, इससे पहले कितनी बार गरीबा की मदद करी से तेरे इस भूरामल ने? बेटा, अगर भूरामल जैसे आदमी की लंगोट पकड़ के चलोगे ना तो किसी दिन उसने यो तेरे दरवाजे पे खोल देगा। इसलिए ऐसे आदमी की दोस्ती से पहले समझ होनी चाहिए तने कुछ। नॉनसेंस, जाओ जाओ नालायक। नु बेइज्जती करण बुलाए थे के तू चनंदर? राजेंद्र, जी बाबूजी। वो, अरे वो बैंक की डिटेल है मारा घर के अकाउंट की। बाबूजी, 10,60,000 रुपए बैलेंस है मारा घर के अकाउंट में। अच्छा, वो बहू के इलाज के लिए तू कुछ टेस्ट वेस्ट की बात कर रहा था? बाबूजी, 10,000 रुपए डॉक्टर को देने हैं। न जाने भगवान की कब कृपा होगी बाबूजी, मारा खाता कब खुलेगा बाबूजी। बेटा, परेशान होने की जरूरत ना से, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। औलाद दिखे कई बार देर तक भी होवे से, पर इस कमी का एहसास बहू को नहीं होना चाहिए कि अब तक वो बे औलाद से और गरीब घर की बेटी से। खुश रख उसने, आजा। ठीक है। देखो जी, माना कि बाबूजी बड़े से, इसका मतलब यो नहीं कि वो कैसा भी व्यवहार करे, बालक नहीं से हम। मारी तो कोई इज्जत नहीं इस घर में। अरे चल जान दे, कोई बात नहीं। जान दे? कैसे जान दे? अरे मारे अधिकारों की बात है, मारे सम्मान की बात से, और वैसे भी सबने बेरा है कि भूरा मलजी मारे दूर के रिश्तेदार लाके से। समझ में नहीं आता नेताजी का बेटा इस तरह किस तरह कर सके। उनका बेटा लग गया तो बहुत शरीफ और ईमानदार था। सच कहूँ मधु, भूरा मलजी के सारे मैं राजनीति में जाना चाहूँ। अरे अरे तो सोच कह रहे हो, आज एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, कौन जोड़ने की नहीं सोचता। अरे मैं तो कहती हूँ कि बाबूजी ने दिखा दो कि फैसला लेना हम भी जा रहे हैं। ठीक से, मैं कल बाबूजी से बात करूंगा। चलो खाना लग गया, यो के फेरते हैं। घर की भई और काका लखनिया, या बाबूजी की फिक्र है तेरे वास्ते। लेकिन डॉक्टरी रिपोर्ट से तो हम दिनों ठीक से, फिर ये पैसे किस बात के लिए हो आप? मैं चाहूँ हूँ कि बुढ़ापे में मारा अकाउंट में बिग डिपॉजिट हो, यानी कि पैसा ही पैसा। लेकिन उन्हें खर्च कौन करेगा? बुआ के मुँह छोती तो फूफानी कवाती। रे पांचवी फेल, न जाने क्यों करोगा तेरा मेरा मेल। रे मन्ने सुना है कि 10-12 साल के बाद तो मियां बीवी की शक्ल भी भाई बाण जैसी लागे है, और एक तू है जो अपने विचारों को भी टेली नहीं कर पाई। ए भगवान, यह पांचवी फेल कड़त पड़गी। हे भगवान, इसने सुध बुद्धि दिए। आपकी सेहत के लिए अधिक गुस्सा ठीक ना से, और डॉक्टर ने भी कहा है कि आपके लिए गुस्सा ठीक ना है। बाबूजी, अगर देवर जी राजनीति ज्वाइन करना चाहवे से तो करण दीजिए ना। राजनीति इबे कूड़ादान हो गई से बहु, सही लक्ष्य सही रास्ता पे चल के पाया जा है। और ये वीरेंद्र उस भूरामल ने के समझेगा जिसके समझन में मन ने गलती कर दी, उसका तो रास्ता ही गलत से। बाबूजी, आप हो ना सही रास्ता दिखान वाले। मैं किसने रास्ता दिखाऊंगा? राजेंद्र में पैसा की भूख से, वीरेंद्र में नाम की भूख से, और जब बेटी कोई भूख बढ़ जाए से ना, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं हुआ करते, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहा करते। अच्छा बाबूजी, मैं आपकी दवाई लेके आती हूँ। हाँ बेटा, ठीक से, बस ये दवाई तो सहारा सही से।
जिंदगी का। नमस्कार, प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। आजकल हरियाणा में प्यार के कांड कांडा में बदल रहे हैं। धर्म परिवर्तन, धन परिवर्तन अथवा जाति परिवर्तन कर प्यार का पतन जारी है। गैस और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण आम लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। और कुछ खबरों के साथ मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। धमाकेदार एक्शन, दिल दहलाने वाला। अभी अभी मिली एक बड़ी खबर के अनुसार आतंकवादी हमले में मेजर नितिन कुमार और उनके तीन बहादुर जवानों ने 20 आतंकियों को ढेर कर भारी मात्रा में RDX तथा AK-47 बरामद किए। लेकिन दुख भरा समाचार ये है कि इस ऑपरेशन में मेजर नितिन कुमार और उनके दो सहयोगी भी मौके पर शहीद हो गए हैं। मेजर नितिन कुमार का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। नहीं! भाभी, 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 क्या हो गया? जीजी, डॉक्टर को फोन करना है। जीजी, जीजी क्यों हो रहा है? जीजी, 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 बाबूजी! बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? बाबूजी, क्या हुआ? बाबूजी, डॉक्टर साहब, देखिए पेशेंट की हालत इस वक्त बहुत गंभीर है। डॉक्टर साहब, पर उनका हुआ केस है? उनके दिमाग की नस फट गई है, यानी कि ब्रेन हैमरेज हुआ है। डॉक्टर साहब, मारे बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, धीरज रखिए, घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। जल्दी से आप ये इंजेक्शन लेके आइए, लाइए। डॉक्टर साहब, मेरे बाबूजी को बचा लीजिए। जी क्या? ओ बड़े कमजोर दिल वाले निकले बाबूजी, आप इतनी जल्दी चले गए? इब देखूं मारे बेटे का कोण के बिगाड़ सके है, इब देखूं। आशीर्वाद ले। या काफी या शाफी वतईज्जु मन तशा वतजिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। या परवरदिगार या मेरे अल्लाह, या परवरदिगार या। ये तूने अच्छा नहीं किया मौला, जब हमें घरों से निकाला गया तो हमने अपने बुरे कर्मों का फल समझकर तेरे फैसले को मान लिया था, मगर आज छोटा मुंह बड़ी बात, यकीनन तुझसे भूल हुई सह। अगर आज उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया गया तो ये तेरी गलती सह मालिक, देखते हैं तेरे रहम का जरिया कब जोश में आवे से। अगर तूने बाबूजी को नहीं बचाया तो हम यहीं बैठे भूखे प्यासे अपने प्राण त्याग देंगे। अरे नेताजी, आप? नेताजी नमस्ते। जैसे ही थारे पिताजी के बारे में सुनिया, सारा काम छोड़ छाड़ के बाजिया चला आया। थारे पिताजी के दर्शन कर लूं? हाँ हाँ, आइए आइए। चल इब दवा तो काम करे ना, दुआ करे तो करे, इब तो यो गया काम से। फोन, एक मिनट, सीएम साहब का फोन।
जय हिंद साहब। जय हिंद। मने बाबूजी के बारे में खबर पड़ी। हाँ, मैं खुद ही हॉस्पिटल में हूँ। उनके परिवार को हमारा दुख प्रकट करना और डॉक्टर से मिलना, ठीक? हाँ साहब, डॉक्टर साहब से मिलके आया हूँ। बता रहे थे कि मेजर अटैक आया से। ऐसे पेशेंट बहुत कम बचते हैं साहब। तुम उन लोगों का हौसला बढ़ाओ, ठीक से? ठीक से साहब, ठीक से। जी को होश आ गया।
भगवान ने थारी प्रार्थना सुन ली। जय हो। अगर उन्हें पता लग गया कि आप लोगों ने दो तीन दिन से कुछ खाया पिया नहीं सर, तो उन्हें बहुत दुख होगा। अब हम कुछ खा पी लियो। बाबूजी, थारी दवाई का वक्त हो गया। नितिन का कुछ पता चला? ना बाबूजी, बाबूजी, मारा भाई बहुत नेक इंसान था। भगवान ने उसते सर शरीर अपने पास बुला लिया। बाबूजी, आज नितिन भैया के 13वीं से। बाबूजी के इलाज पे 1 महीने में कैपिटल अकाउंट 5 लाख तक कम हो गया है। लेकिन बाबूजी तो बच गए ना? बच के गए? अरे बोझ हो गए मारे पे बोझ। मैं तो यूं कहूँ, जब अस्पताल में बेड पे ही लेटना है तो उरे के बेड कम है, उरे किसी बेड पे लेटे रहेंगे। और के करेक्ट, ये हुई ना प्रॉफिट वाली बात। एक काम करते हैं, जनरल वाउचर पास कर देते हैं। या क्या बात कर रहे हो? रे पांचवी फेल तू नहीं समझेगी। घास खाए भैंस और गोबर ठाओ कोई और, या प्रॉफिट और लॉस वाली बात है, तू नहीं समझेगी। अरे पर उनकी सेवा उरे करेगा कौन? सचिन की जरूरत ना है, उरे सावित्री भाभी ना है, वो करेगी इनकी सेवा, और कौन? सारा मामला ही सॉल्व हो गया, पहले डिपॉजिट कर दिया, अब विड्रॉ कर लेते। रुको रुको, किशोरी लाल जी, बाबूजी अड़े ही रहेंगे अब। के? अरे मैं कह रही हूँ ना, आप ज्यादा सोचने की जरूरत ना है, बाबूजी अड़े ही रहेंगे आप। चलो। हे भगवान, ये दिन भी आने थे। आराम से आराम से। यो बुढ़ा आन पड़ा मारे सिर पे। देवी का संभाल कर। चादर उड़ा दो। वृंदा, कल तेरे एग्जाम्स है, पढ़ाई कोई ना करनी? देविका, बाबूजी को लाने में कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई? वैसे डॉक्टर से बात करी थी मैंने। बाबूजी, किसे हो आप? भाई, बाबूजी ने आराम की जरूरत है, हमें बाबूजी से बाद में मिलना चाहिए। भैया, यो कुछ दवाइयां और सामान लाना था बाबूजी के लिए। चुप रहना तो ठीक था, ये तो वो ही बात होगी, आ बैल मन्ना मार, यानी जो बोले वो ही कुंडी खोल ले। क्या होया भैया, के सोचन लगे? कुछ नहीं, चल भाई। हाँ चल। भाई वीरेंद्र, नू घर के खर्चे किस तरह चल रहे बताओ? अरे जब तक बाबूजी बीमार पड़े हैं, मेरी तो वकालत भी ढीली पड़गी। ईब के करा, बाबूजी ने तो हमें कभी इस लायक समझा ही नहीं कि इस घर का लेन देन का लेजर बना सके। अरे बाबूजी ने तो आप लोगों से कुछ लिया भी ना, और ऊपर से सारे घर का खर्चा वही चलाते थे। चुप। तू चुप कर पांचवी फेल।
पन्ना समझाने का मतलब है भैंस का आगे बीन बजाना और बिना नाम के अकाउंट खोलना। अरे राजेंद्र, परेशान होने की जरूरत ना है, ये सारे खर्चे सावित्री जी कर लेगी। वैसे भी जेठ जी के सर्विस फंड का भतेरा रुपया है उनके धोरे, आखिर वो इस घर की बड़ी बहू से। अरे पर जीजी राहुल ने भी तो हॉस्टल जाना से। अरे राहुल को हॉस्टल जाने की जरूरत है, अब इस घर के खर्चे डबल हो गए और वैसे वृंदा ने भी 10वीं पास कर ली, अरे उसे भी तो हॉस्टल भेजना है कि नहीं भेजना। बिल्कुल ठीक कह रही सया। सावित्री, I hate tears। विनय न माने जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयभीत होए न प्रीत। माँ, मैं बाबूजी ते रामायण के सुंदरकांड का पाठ सुना रहा था। हाँ बेटा, यो पाठ से जिम्मेदारी निभाउन का, पाप और पुण्य के फैसले का और ताकत का। बेटा, मैं एक बात कहना चाह रही थी। कहो ना माँ, नहीं तो पानी चला जाएगा। बेटा, अगर तुम हॉस्टल ना जाकर अपनी पढ़ाई यहीं करो तो। पर माँ, पिताजी ने तो मने सैनिक स्कूल में इस खातिर कराया था कि मैं बड़ा होकर आर्मी में अफसर बनूंगा। दादाजी आप ही कुछ कहिए ना माते। बहू, की बात से। कुछ ना बाबूजी, बस मेरा जी ना लगेगा। I hate tears माँ। ठीक से माँ, मैं अपने दादाजी की कसम खाऊँ, मैं अड़े रहकर अपने पिताजी का सपना पूरा करूंगा और अपने कुंदे का नाम रोशन करूंगा। अरे जीजी, तड़के तड़के वो मालिश का ठेके लेके बैठ गई। सुबह सुबह का बखत से, बालका ने स्कूल जाना से, इनको ऑफिस जाना से, या सेवा तो फिर भी हो सके से। बाबूजी, मैं ही बाऊं। बाबूजी प्रणाम। बेटा, मेरी कुछ छोटी छोटी जरूरत थी, इन्हें पूरी कर दिया करो। बाबूजी, ईब तो बैंक के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं शाम को आऊंगा। हाँ बेटा। बाबूजी माफी चाहूंगा, आपसे मिलने की फुर्सत नहीं मिली क्योंकि बैंक में काम बहुत ज्यादा था। नमस्ते मुंशी जी। नमस्ते जी। राजेंद्र बाबू, जैसा आपने किया था मैं एफिडेविट बनवा के ले आया हूँ। बाबूजी के साइन करवा के आश्रम के लिए 1,00,000 रुपए निकलवा ले आना। राजेंद्र, बिग डिपॉजिट करने का यो बड़ा मौका है। बाबूजी, मैं कोशिश करूंगा आने वाले एतवार तक आपके सारे काम खत्म कर दूं। और ये एफिडेविट पे साइन कर दो, मैं अटेस्ट कर दूंगा। मुंशी जी, आराम। बाबूजी, आराम से। ये लो। या बाबूजी, मैं शाम को मिलता हूँ। नमस्ते मुंशी जी। नमस्ते। गरियो नू समझे है कि मैं ठीक ना हो सकूं,
तो गलत समझे है। इसकी गलती ना है, मेरी जूती का वजन कम हो गया। मधु मधु अरे क्या हो गया मधु? तकदीर और टाइम मारा साथ दिन लागे से। वो के? वरना डाकिया मेरे को रास्ते में मिलता ही क्यों? सरकार ने बड़ी भाभी के नाम पेट्रोल पंप अलॉट किया है और मैं चाहूँ बड़ी भाभी मने इसका कानूनी उत्तराधिकारी बना दे। पेट्रोल पंप पर ये सब होगा क्यों कर? क्योंकि बड़ी भाभी ना तो गुंगी से ना अनपढ़। डोंट वरी डार्लिंग, इट्स माय जॉब। मैं सू ना वकील सू, बड़ी भाभी उरे ते नी उरे ते सोचा है। बस तू आज के बाद उसके गिल प्यार ते पेश आना शुरू कर दे। यो बात तो सही से, पर जो शुरुआती खर्चे होंगे वो कौन करेगा? अरे वो अपने बुरामल जी है ना। हाँ? वो मारा बड़ा चाने वाले से। बाबू जी ते उम्मीद करना बेकार से। यो सही से, तुम बैठो मैं थारे लिए चाय लाऊं गरम गरम, बैठो। ले पापा पापा एक बार देखना, यह बात मारी समझ में ना आई। कैसे पापा, यो श्रवण कुमार कौन था जो अपने माँ बाप ने अपने कांधे पे बिठा कर अपनी अखियाते दुनिया दिखाया करे था? वो तू जाकर पूरी कहानी पढ़ ले, अपने आप समझ आ जाएगा, जा। पापा क्या सच में ऐसे लोग होवे थे? अच्छा अच्छा पापा, बाबा कह रहे थे वीरेंद्र ने कहना मेरे ते आके मिले, 10 दिन हो गए से। हाँ ठीक से ठीक से। जी जी मैं काल की बात से बहुत शर्मिंदा सू, मैंने माफ कर दो। ठीक से मधु। के बात है, भाभी तो शिकायत कर रही है कि मेरे बारे में? वीरेंद्र ऐसा मौका कभी ना देना। ठीक है भाभी। भाभी आपके वास्ते एक लेटर आया इन पेपरों के साथ। पेपर? मेरे लिए? भाभी किस बारे में? सरकार ने नितिन भैया के बलिदान के बदले शहीदी कोटे में आपके वास्ते एक पेट्रोल पंप दिया है। पेट्रोल पंप कब मिलेगा ये? भाभी पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, सरकारी काम है ना। हाँ जी जी सरकारी काम से है ना, तो ऊपर ते लाखों के खर्चे, सरकारी दफ्तर के चक्कर लांदे लांदे महीने लग जाएंगे। तीर निशाने पे है वीरेंद्र। हाँ। मेरे दौरे तो समय को नहीं, अगर तुम कुछ कर सको तो करो। पर जी जी इसमें तो घना खर्चा लग जाएगा ना। हा? कुछ पैसे का बंदोबस्त तो मैं भी कर दूंगी। ठीक है भाभी, जिस तरह आप चाहो। भाभी आपसे मेरे को एक पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होगी ताकि मैं आपकी तरफ से पैरवी कर सकूं। तो ठीक है मैं साइन कर देती हूँ, और ये खबर सुन के बाऊजी बहुत खुश होंगे। भाभी जब तक काम बनना जावे मैं चाहूँ सू की आप किसी से बताइयो मत। मैं चाह रहा था कि काम बनने के बाद हम बाबूजी से बतावेंगे तो उनकी सेहत पर बड़ी असर पड़ेगा। जी जी जब पेट्रोल पंप मिल जाएगा तो बाबूजी ने अपने आप बेरा पार जाएगा। तो ठीक से भाभी ये लो पेन, यहाँ साइन कर, बैठो ना आप। बैठो जी बैठो आराम से। बाबूजी नमस्ते। राम राम। नमस्ते किशोरी लाल जी। बाबूजी हम जो कर रहे हैं मारे ते कारण दियो। बेटा सावित्री से कहिए किशोरी लाल आया है। जी बाबा। चाय बना दे। आराम। किशोरी लाल जी कल आप मेरे ते कुछ बताना चाह रहे थे? नहीं नहीं कि भी मैं बाबूजी ते कुछ नहीं बता सकता। ठीक ठाक तो चल रहा से ना आश्रम में? हुँ? कुछ छुपा रहे हो मेरे ते? बुरा मल के डरता है, दिनू ने आत्महत्या करने की कोशिश करी, उसको मैं बचा के राजी खुशी मारे घर ले आया। हे राम।
अंदर राजनीति कोई बच्चों में खेल नहीं सर। और के बुढ़िया कैसे? रे महात्मा जी, आड़े भी अपना हाजरी कार्ड पंच कर दो। अरे थारे पास क्यों? क्योंकि इस एसेट्स के हम लोग मालिक हैं। और सुन मुंशी, अपनी यो गांधीगिरी बंद कर दे और अपनी औकात में रह। मैं तो अपनी औकात में हूँ वीरेंद्र बाबू, और थारी औकात जो मैंने बता दी तो तुम ऊंची दीवारा भी 10x10 के कमरे में बैठे मिलोगे। मने तो यो दुख से इस देवता की यो औलाद। अरे चुप कर मुंशी, ज्यादा ज्ञान बांटन की जरूरत ना सा। और सुन, आज ते तेरा इस घर में खाता बंद। मुंशी, यू आर डिफॉल्टर। समय कट रहा राजेंद्र बाबू, कटन दियो, पर देखियो समय के मारे की आवाज नहीं होती, समझे? अरे ओ मुंशी। अरे छोड़ो इसे, तुम भी कहां अपने सीन फंसा रहे हो? भूल गए आज भूरामल जी का जन्मदिन से? अरे हाँ, जाना शाम में हो। मेरी अदा के मारे सारे बुढ़े और उम्र चावे, देख के मेरे रूप हुसन ने छोरे कट कट मर जावे। हाय
मैंने तो लोगों को पढ़ाया लिखाया और मेरे ही साथ। अरे मास्टर जी, ये भी जिंदगी का एक अध्याय है। जंगल का भय मन से निकालने के लिए राम जी को खुद जंगल जाना पड़ा था। तो हमको भी मन से ये दर्द का भय निकालने के लिए दर्द की दुनिया में जाना पड़ता है। गम से चिंतित मत होइए, लाइए मैं पट्टी किए देता हूँ। दर्द भी चला जाएगा और मन से भय भी निकल जाएगा, डरे मत। खान बाबा। हाँ बेटा। पाई लागू। बोल दे बेटा, बोलने से तेरे मन की भड़ास निकल जाएगी। खान बाबा, मेरे बड़े चाचा और बड़ी चाची मेरे दादाजी ते अच्छे से व्यवहार नहीं करते, वो उन्होंने सब चीज को मजाक बना दिया सर। आप अच्छे गायक रहे, ये बात सिर्फ आप पर ही खत्म हो जाती है। आदमी की आवाज कोई पतझड़ नहीं जो मौसम की तरह दोबारा लौट आएगी। इंसान की जिंदगी खत्म हो जावे, गायकी खत्म नहीं होती। बेटी, मैं आखिरी सांस तक गाता रहूंगा। मन ने सारी जिंदगी इस घर का बोझ उठाया, आज भी उठाऊंगा, तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। बेटी, जबान की भी एक सीमा होती है। लेकिन अब्बू, हमारी भी तो सीमाएं हैं। आखिर कब तक? कब तक मैं इस घर की नौकरानी बनी रहूंगी? अब आप जिंदगी भर गा तो सकते नहीं, और शौक रईसों वाले, ये पेटी, ये ढोलक, ये तबला, अगर आपको यही सब करना है तो कहीं और जाकर कीजिए। निकलो यहाँ से, थारी और इन सब की अब इस घर में कोई जगह नहीं। जब तक था दम में दम, न दबे आसमां से हम, बेदम हुए तो आज जमीन ने दबा दिया। ये तो वक्त की पहेली है, और वक्त की समझ तो बड़े बड़े पैगंबरों और पीरों को नहीं थी, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। हम मामूली इंसान क्या जाने, और वक्त के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। जो तकदीर करा रही है उसमें खुश रहना चाहिए इंसान को। जा बेटा, जा अपने दादा की ताकत बनना, डरना नहीं, जा बेटा। जी खान बाबा। जा बेटा। तेरी लीला ने इब समझाओ भगवान, तू बुढ़ापे की ठोकर को जानता था, इसलिए तूने अपने किसी भी अवतार में बुढ़ापे को नहीं दिखाया। न्याय नीति और मर्यादा ने भूल गया इंसान प्रभु, न्याय नीति और मर्यादा ने भूल गया इंसान प्रभु। समझ लिया दुनिया ने, देखो पैसा दीनी मान प्रभु। इब के होगा दुनिया, पैसे के रिश्ते नाते पैसे की रहगी यारी, पैसा भक्ति और श्रद्धा पैसे की पूजा सारी, पैसा धर्म कर्म मानस का, पैसा है भगवान प्रभु। इब के होगा दुनिया का, इब के होगा।
मन बुद्धि ढक लिए अहम ने धन माया मैं टूल गया। नौकर चाकर कोठी बंगले वैभव के मां भूल गया। अपने और पराए की भी नहीं रही पहचान प्रभु। इब के होगा दुनिया का है, इब के होगा दुनिया का। वृंदा, ए वृंदा। आई बाबा। ए बेटी ठीक कर आए। बेटा बेटा सावित्री की तो पानी खत्म हो गया। बाबा ताई जी आपके लिए दवाइयां लेने गई है, पानी मैं ला देती हूँ। लिया अभी लाई बेटे। पार्टी में मजे आ गए, समझ में आया लोग राजनीति में क्यों हमें। पॉलिटिशियन, प्रेस, पुलिस और पूनम, क्या संगम। मजा तो आ गया भाई, मजा आ गया। रिश्तेदारी, मैंने जीजी से कितनी बार कहा, अरे बाबूजी के धोरे अड़े एक घड़ा भर के क्यों नहीं धर देती, एक जग भर के धर रखा, न्यू बाड़का ने बार बार परेशान होने की जरूरत तो ना पड़ेगी। मम्मी, क्या हो गया? यू क्या हो गया? मम्मी, वृंदा क्या हो बेटा? कुछ नहीं माँ, बस पैर पे लोटा गिर गया। लोटा गिर गया? गिरा नहीं होगा, जानबूझ के गिरा दिया होगा। मैं तो तंग आ गई बाबूजी थारे पे। या तो हद होगी बाबूजी। अरे आप लोग क्या बेकार की बातें कर रहे हो, लोटा मेरे हाथ से छूटा था। के बेकार की बातें? तू अपना बखत या बर्बाद करी, तने बेरा नहीं तेरा दसवीं का एग्जाम है। ये माँ समय कितना बदल गया है, याद से कभी बाबा की एक आवाज थे आप बने पढ़ने से उठा दिया करो थी, और आज उसे ही पढ़ाई का बहाना मार के मुझे उनसे मिलने नहीं देती। तू चल उड़ रहता है और ज्यादा बकवास ना कर, चल और दवाई लगवा लिए। यह बात बाबूजी को समझनी चाहिए कि किसी का टाइम लॉस ना हो, यहाँ क्यों ना लगे, मेरा मतलब है कि यहाँ लाइन ना लगे। वाह भाइयों वाह, थारे जैसा खुदगर्ज इंसान ना मन्ने का दे देखिया ना सुनिया, थम लोगों के आँखें में तो सुअर का बाल से। चुप कर देविका, तने बड़ा गेल बात करने की तमीज नहीं रही। हाँ मुझ में तमीज नहीं रही अपने बाप को बोझ समझन की, नहीं रही मुझ में तमीज इनका अपमान सहन करन की। अरे जिस इंसान ने थम लोगों ते इतना अच्छा जीवन दिया, थम लोगों के पास उनसे मिलन का समय नहीं रहा, थम इनकी सेवा के करोगे? चुप कर देविका, छह महीने से बाबूजी की सेवा नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे, इनकी बदबू सहन कर रहे। अगर तने समझ नहीं आती तो निकलो यहाँ से, क्यों ये बोझ बने मारे पे, बेशर्म की भी हद उसे। भाभी तुम ही तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो। देविका छोरे तेरी इतनी हिम्मत, कुत्ते तूने मेरी बेटी का मारा। अमित ये क्या हो गया बाबूजी? तू कब आया? आज ही आया, पहले आश्रम गया था, वहाँ जाकर सब पता चला। और ये देविका, ये कहती रहती फोन पे कि सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, बस बाबूजी की थोड़ी तबीयत खराब है। देविका तेरी पढ़ाई खराब नहीं करना चाहती होगी बेटा, डिग्री पूरी होगी तेरी? हाँ बाबूजी। ठीक से जा, ईमानदारी ते गरीब लोगों की सेवा कर। नहीं बाबूजी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं लोगों की सेवा जब ही करूंगा जब आप अपने पैरों पर चलकर मेरे क्लिनिक की ओपनिंग करेंगे। मेरी तकदीर तो देख देविका, कि मेरा भगवान ही मेरा पहला पेशेंट है। छह महीने से बाबूजी की सेवा नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे, इनकी बदबू सहन कर रहे। अगर तने समझ नहीं आती तो निकलो यहाँ से। देविका, देविका इब हम इस घर में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। एक था तो ताकत थी इब,
जाने किसे हालात रे। और किसे का खोट नहीं यो समय मार गया घात रे। जिस कुण वे की देख रेख की हर हालत हर मौसम में उस कुण वे का मुखिया इब दिन काट रहा वृद्धाश्रम में। सबको सहारा देने वाला ढूंढे आज सहारा के था कुणवा मारा के था कुणवा। दुख धूप छाँव दो पहरू एक आवे एक जावे रे। सच्चा मानस हर हालत में अपना फर्ज निभावे रे। हिम्मत हार कदे ना बैठे आगे कदम बढ़ावे रे। अंधियारे में दीवा बन के सबने राह दिखावे रे। परमेश्वर पे करके भरोसा बेड़ा पार उतारा कुणवा से यो मारा कुणवा से यो मारा। छह बार धुआना पड़े माँ। बेटी तू कब आई दिव्या? आई तो रंगों से खेलने थी माँ, पर यूं ना जानू थी कि आशीर्वाद तूने बेरंग कर दिया। यूँ क्या कह रही है दिव्या तू? मैं कुछ समझी ना। ठीक कह रही है माँ तू। रामायण क्यों हुई केकई नहीं जाने थी, महाभारत क्यों हुई द्रौपदी नहीं समझी थी, और ये बाबा वृद्धाश्रम क्यों गए ये तू ना समझ रही है माँ। दिव्या चुप कर। आपको शर्म नहीं आती माँ? ताऊ जी का देहांत होते ही आपने राहुल को हॉस्टल से निकाल लिया। मुझे नफरत है अपने माँ बाप से, नफरत है। दिव्या I hate you. दिव्या रुक जा। Hate you. बाबूजी ने भी ना जाने बारकाते के पट्टी पढ़ा दी। दिव्या नमस्ते बाबूजी। बाबूजी आपने बुलाया? हाँ बैठो बेटा। चंदर देख, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, गलती को मानना भी बड़ी बात से। हाँ बाबूजी। बेटा धर्म यो ही कहवे है कि उस लड़की से शादी कर ले। ठीक से बाबूजी। जा, मेरे तो अनजाने में गलती होगी, मैं तो उस छोरी तो प्यार करूं सू। खुश रहे। जी जाओ बाबूजी। जा साहब, किसी ने आपके लिए प्रेम पत्र भेजा है। तू जानता है ना कि मन ने पढ़ना ना आवे
देता हूं मैं, सुना। साहब लिखा है महिला उद्धार के लिए आपने जो दान दिया है उसके लिए हम आभारी हैं। अरे बावड़ी बुझ, यो लव लेटर्स है। आगे लिखा है रात को कलम में मिलते हैं। यो लव लेटर्स है। पकड़, फोन आ गया। हाँ भाई, मैं इंस्पेक्टर राम सिंह बोल रहा हूँ। बोल भाई राम सिंह। नेताजी हमारी बात ध्यान से सुनो, थारे छोरे चंदर ने थाने में सरेंडर कर दिया है के? और अपने एक बालिया बयान में जुर्म कबूल कर लिया है कि दीनू की बेटी का रेप उसी ने किया है। उल्लू का पट्टा, अरे सबको सेटल होने के बाद के कर दिया उसने यो सब। चल हरी नापी और खराब करा उधर। लो नेताजी। बोलो पापा। क्यों बुलाया सर? अरे ये कर दिया तुमने? किसने पट्टी पढ़ाया तेरे को? तू जाने है कल तेरी एंगेजमेंट है, है? वो लड़की फॉरेन में पढ़े से, कितना बड़ा घर से है। बड़ा ना, एक भू माफिया का घर से वो पापा। पापा मने कदे कदे लागा वो मने ठीक नहीं करया, वो मने ठीक नहीं करया। जब भी मैं शीशा देखू सू मेरी परछाई मने धिकारस है, धिकारस है मने। रे किसने कहा से शीशा देख? बेटी अपने बाप के घर से जा, अपना बयान वापस ले ले जा। ना पापा ना, आप एक बाप अच्छे हो सको सो पर मार्गदर्शक अच्छे नहीं हो, इसीलिए मैं आश्रम गया था बाबूजी से मिलन। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारी नजरों के सामने से हट जा, हट जा। बाबूजी तन्ने मारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, मारी काल की होड़ी को बेरंग कर दिया। इब देखना मैं तन्ने कैसे खून के आंसू रुलाऊं सू, देखना तू।
चोरी चोरी फोन उठे गल करना, थोड़ा थोड़ा मम्मी डैड तो भी डरना। चोरी चोरी फोन उठे गल करना, थोड़ा थोड़ा मम्मी डैड तो भी डरना। चोरी जप मारे पचोरी जप मारे मिस को आए रे जी कर जा सुनन न उसके मीठे मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि जज साहिबान ने दोनों टीमों को आज संयुक्त रूप से आज इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया है। अब मैं कॉलेज के ऑनरेरी चेयरमैन श्री रणबीर सिंह जी, जिन्हें हम सभी लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं, और आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री भूरामल जी, दोनों महानुभावों से प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पे आए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे इन मेहमानों का। बाबूजी मैं घर जा रही हूँ, वहाँ तय होली खेलन के बाद 11 बजे मंदिर जाऊंगी। बाबूजी देवी का बहुत चाव है आपको। हाँ बेटा, देवी का कुछ और भी चाव है से। इस बात के लिए उसने आज राम भी बीच में ले लिया। बेटा नितिन के बाद में और बालक नहीं चाहवे था, पर पार्वती की जिद थी कि उसने एक बेटी तो चाहिए, और इस एक बेटी के लिए मैं 4 बालका का बाप बन गया। आज समझा सूं पार्वती की बात ने कि घर में एक बेटी तो होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। अरे राहुल कहाँ है? वो रहा। चलो। अरे ये पाँच है। भाभी बुरा न मानो होली है। अरे मैं पूछूं जीजी ते, कुछ शर्म लिहाज रीति रिवाज है कि नहीं हमारे समाज के? इब के होया? के होया? अरे देखना जीजी ते। अरे जब जीजी ने देरा से कि जीजी विधवा से, तो विधवा को विधवा की तरह रहना चाहिए, नू बेशरम ना होना चाहिए। मतलब यो सामाजिक रीति रिवाज और बंधन सिर्फ एक विधवा पर लागू होवे से? किस कानून में लिखा से कि विधवा होली ना खेल सके से? मेरा तो यो मानना है कि हम सब ते इसका मान सम्मान करना चाहिए। और वैसे भी यो हमारे समाज का कैसा दुमुहिया रूप से, जहाँ एक तरफ तो विधवा को करुणा दया के भाव से देखा जावे से, वही दूसरी ओर उस पे ताने बरसावे से। देविका
तुम तो रहन दो भाभी, तुम सब एक ही तवे की रोटी हो। तुम लोगों ने मिलके बड़ी भाभी ते घर के नौकरानी बना दिया से। अरे चुप कर, तू बहुत अनाप शनाप बोलन लाग रही से कुड़बे के बारे में। किस कुड़बे की बात कर रहे से भाई? जो तू कुड़बे का मतलब जानता ना, तो आज इस घर के मालिक वृद्धाश्रम में ना पड़े होते। बड़ों से बात करने की तमीज ना सतन है। जी जी, इसमें देविका की गलती ना से, इसकी जड़ तो कोई और से। ज्यादा ना बोल, पांचवी पहल चल गिरने। Shut up! What you think of yourself? I was silent because of my father. He told me there shouldn't be any blame and complaint from your in-law side. Otherwise, there would be an abuse to our poverty. Every time you speak of debit and credit, look, God is making your balance sheet blank. अरे, इसलिए तो हम आज बेऔलाद हैं। I'm ashamed that you are the son of that great man. चलो जी। जी जी, तुम तो महान हो, ये तो सब भेड़ के भेड़ हैं। देविका, बच्चे कितने हैं? बाबा। हाँ बेटा। माँ ने आपकी खातिर लड्डू भिजवाए से। ला बेटा ला। ले बेटा, तू भी ले। बाबा, पुराना मामा होली से। मेरे बालको आओ। अरे आप? हाँ मैं। इसमें रानी की के बात से बुला के भूल गई? और यू के चेहरे पे उदासी, भगवान से जो मांगा मिला नहीं क्या? भगवान तीन जो मांगा वो तो मिल गया, लेकिन लेकिन के एक्चुअली बड़ी भाभी का अपमान मेरे तें देखा नहीं जावे से। हाँ वो तो देवी है, और यू चेहरे पे किसका प्यार से? बड़ी भाभी का। क्यों, ऐसा क्या किया तुमने? दरअसल उनकी नजर में मैं कहीं गलत थी। चलो छोड़ो, अपना मूड खराब मत करो, आज होली है ना, मुस्कुराओ। अमित, मैं थारे से बहुत प्यार करूं सु। मैं भी करूं सु। तेरे तय मिलके लागे से न्यू मने, मेरे मन की मीत बने तू, मेरे मन की मीत बने तू। छोरी तेरे तय मिलके लागे से न्यू मने, मेरे मन की मीत बने तू, मेरे मन की मीत बने तू।
जाने दे छोरी भकावे न मन ने सपनिया में आके सतावे तू मन ने रह जाने दे छोरी भकावे न मन ने मान ले मेरा कहना नहीं तेरी बिन रहना इब क्यों ना इकरार करे तू हो इब क्यों ना इकरार करे तू ए छोरी तेरे ते मिलके लागे से न्यू मन ने मेरे मन की मीत बने तू मेरे मन की मीत बने तू साजियो मेरे दिल का कद ते पड़े से सुना इस साज का गीत बने तू मेरे इस साज का गीत बने तू मुंशी का छोरा बाबूजी की छोरी ने मोटरसाइकिल पर घुमावे से टेकचंद दोनों भाइयों ने फोन लगा भाई और बोल कि सांझ ने मारे से मिले ठीक से साहब अपने गुजरे समय को वर्तमान में तलाश करने की कोशिश कर रहे हो रणवीर सिंह ना मैं तो वर्तमान में महसूस कर रहा हूँ खान चाचा मैं नितिन को भुला नहीं सकता नितिन हमारे दिलों में है कोई लाख कोशिश करे उसे भुला नहीं सकेगा मगर अपने गुजरे दिनों की याद को मजबूत करने के लिए अपने आज को कमजोर मत करो मेरे दोस्त यू आर अ ब्रेव मैन मजबूत रहो Yeah. तुम लोग ठंडे दिमाग से काम करो हम उस लावारिस ने जानते मार देंगे रे, रे। कोई भी उतावड़ोपन किसी भी काम के लिए खतरनाक हो वैसे समझे अरे जिस तरह राजनीति में नोट सोट वोट जरूरी हो उसी तरह इस काम में धीरज संयम और सावधानी जरूरी हो वैसे समझे ठीक है नेता जी आप भी कोई ऐसी राजनीति करो जिसका वो छोकरा देवका के रास्ते तक हट जाए ना सुनो तुम दोनों समाज में फैला दो कि अमित और देविका एक ही गोत्र के से हैं समाज में एक बे या बात फैल जावे तो समझ लो अपनी चाल कामयाब हो जावेगी नहीं नेताजी इससे उनके प्यार का अकाउंट बंद नहीं होगा एक और नया लेजर खुल जाएगा बात है वीरेंद्र तू एक बार बता रहा था कि वह MBA करना चाहवे से तो करवाओ MBA रे वापिस सोचेगी वापिस देखेगी कि उसके भाई कितना ख्याल रखते हैं उसका है? एक पंथ और दो काज देवका भी खुश हो जाएगी हमारे रास्ते का कांटा अपने आप निकल जाएगा ठीक है नेता जी चालना से अर्जेंद्र जय राम जी ले भाई ये छोरे तो मारे कब्जे में से इब देखना बाबूजी मैं तन्ने कैसे गड्ढे में गहरू सूं भाई मुंशी मैं छोटा सा दुकानदार 50,000 मेरे खातिर बहुत बड़ी बात हो जैसे मैं समझू सूं और मैं कोशिश भी कर रहा सूं पर इसके वास्ते मने 7 दिन की मोहलत और चाहिए ठीक है हम आपकी बात की कदर करते हैं हम ना आप पे पूरा विश्वास है अमित अमित चल के बाबूजी ने देखो बाबूजी तो देख रहा हूँ अमित वो चल नहीं पा रहे बार बार गिर रहे हैं मारे बाबूजी कभी गिरे ही तो नहीं यो तुम कैसे बात कर रहे हो अमित बाबूजी किसे हो आप ठीक सु बेटा अमित तुमने बहुत एहसान किए हमारे पे बड़ी माँ
एहसान तो बाबूजी ने किया हम पे। बहू यो अमित तो जादूगर है जादूगर। बेटी जिस दिन ते बाबूजी यहाँ आए अमित एक दिन अपने घर नहीं गया। यो कहे से पहले बाबूजी घर जाएंगे वो भी अपने पैरों पे चलकर तब मैं अपने घर जाऊंगा। बड़ा पुण्य कर्मी है यो किशोरी लाल, वरना आज के जमाने में अमित जैसा बेटा कहाँ नसीब होए से। बेटी तू तड़की तड़की आश्रम में क्यों आई? बाबूजी काल थाने से बुलावा आया था, उनके सामान का कुछ पार्सल आया से। मैंने देवर जी को कहा था साथ जाने के लिए, पर उनके पास टाइम ही कोनी। मैं चालूंगा बहू। देख राम में ताऊ के चीज ले रहा। राम राम जी। बात यू से काल खबर गई थी थाना ते सावित्री देवी का कोई पार्सल आया से। पार्सल? हाँ आया, ये रहा। देखता हूँ इतना बड़ा पैकेट से मतलब लाखा का माल होगा, थोड़ा चाय पानी तो महारा भी बनता है। के मतलब थमने बेरो से इसमें केस से? अरे हवाई जहाज से आ रहा से, इसमें कोई ड्रग्स और AK-47 तो होना सके। तू खर्चा पानी दे, पैकेट ले और निकल ले। अच्छा न्यू बता थारा साहब कित से? देख साहब नया आया से, राम सिंह साहब का हो गया तबादला, उनको तो जो दिया करते वो ले लिया करते। ये तो नया लड़का है, ये तो परसेंटेज में बात करता है, और फिर हम तो आपसे सिर्फ चाय पानी मांग रहे हैं। सुन ताऊ मारी बात कोई घाटे का सौदा ना है। देखो चेयरमैन साहब आप किसी प्रकार की कोई टेंशन मत लो, इनमें आ गए हो ना तो आपके साथ इंसाफ होगा, भरोसा रखो आप। अरे ये कैसे आप बिना पूछे अंदर घुसे आ रहे हो? दिखाई नहीं देता हम जरूरी बात कर रहे हैं। कोई बात ना वेसिंग, आप बात कर लो, मैं फिर मिलता हूँ आपसे। चलो ठीक है, ओके। ठीक है इंस्पेक्टर, तू किसी प्राइवेट कंपनी का मालिक नहीं से, जनता का नौकर से, और तेरी इस बात का जवाब तो मैं पाछे दूंगा। पहले जो वो पार्सल आया से सावित्री देवी के नाम का, उसने अड़े मंगवा। पार्सल बाहर जा के लो। इंस्पेक्टर अगर तेरे अंदर जरा भी जिम्मेदारी का एहसास है तो पार्सल अड़े ही मंगवा। जनाब इनका पार्सल ले गया हो? जी। खोल खोल इस नेब। खोलो इसे। देख देख इसमें मेरे उस शहीद बेटे की अंतिम निशानी से जिसकी शहादत पर पूरा देश नतमस्तक हुआ था। बोल बोल कितनी चाय पानी लेगा तू और कितनी परसेंटेज लेगा तेरा यो साहब? ये किसी बात कर रहे हो आप? बोलंदे मैंने थानेदार, तू कह रहा था ना ये के है, अब है पुलिस महकमे के धब्बे या वा के है? जिस तरह देश के प्रधानमंत्री की नजर भी मिल जाए तो उसकी आंखिया में भी गर्व ते आंसू आ जाए। या मेजर नितिन की विधवा से है और मैं रणवीर सिंह। हैं? रणवीर सिंह बाबूजी? माफी साहब। दफा हो जाते चल। बाऊजी मैं अभय शर्मा, रामस्वरूप का छोरा। तू रामस्वरूप का छोरा से? हाँ बाऊजी मैंने ट्रेनिंग के बाद कल ही अड्डे ज्वाइन करे है। मैं तो बल्कि खुद आज आप तो मिलन खातर आन आला था। बाऊजी मन्ना आपके आदर्शों की कसम, इस पूरे पुलिस सिस्टम ने तो शायद मैं नहीं सुधार सकता, पर हाँ
मैं आपसे एक वादा जरूर करूँ, इस पुलिस स्टेशन ने तो मैं जरूर सुधार कराऊंगा। इब राजीर है, अजीर है। यहाँ ये सारा सामान आ गया सर, किसे और चीज की कमी? किशोरी लाल जी, राम राम। राम राम जी। और सामान ठीक पहुँच गया ना? ठीक पहुँच गया सेठ जी। चलो ठीक से। लो साइन करो। अरे जल्दी करो भाई जल्दी। किशोरी लाल जी। जी बाबू जी। जरा इसको पकड़ना। जी बाबू जी। किशोरी लाल जी, इतनी बड़ी बड़ी बात होगी घर में और मेरे ते बताया नहीं गया। हाँ बाबू जी, हालात ही ऐसे थे। हालात? अपना घर बार सब कुछ गिरवी रख के अपने बाबूजी की इज्जत आबरू बचा ली और मेरे ते एहसास तक ना होने दिया। किशोरी लाल, तेरे बाबूजी अपाइज हुए से बस। बाबूजी आप हमारी चिंता छोड़िए, अपनी सेहत का ध्यान करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिसा मैं कह रहा हूँ उषा करो। किसी ने कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रणवीर सिंह, समंदर का सूखड़ा या न सूखड़ा इंसान की नहीं उसके हाथ में हो वैसे, और वो जाने कब उस सूखे समंदर में तूफान भी ले आवे, और उस तूफान का इंतजाम उसने मेरे यहाँ कर रखे से। पाया मैं किसी बाजर ही रमजोल परी, दूर दूर तक गूंज रहे तेरे घुंघरुआ के बोल परी, दूर दूर तक गूंज रहे तेरे घुंघरुआ के बोल परी। चम 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 पाया मैं किसी बाजर ही रमजोल परी, दूर दूर तक गूंज रहे तेरे घुंघरुआ के बोल परी, दूर तक गूंज रहे तेरे घुंघरुआ के बोल परी। डाक सुहासा सुआसा मुँह बटुआसा ओठ पान ते लाल परी, नाक सुआसा मुँह बटुआसा ओठ पान ते लाल परी, केड़े कैसा बदन चीकना अनसा जैसी चाल तेरी, तेरे केड़े कैसा बदन चीकना अनसा जैसी चाल तेरी, पतली कड़ में रे 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 रे, पतली कड़ में लचके लगे कई कई पड़ती झोल परी, दूर दूर तक गूंज रहे तेरे घुंघरुआ के बोल परी, दूर दूर तक गूंज रहे तेरे घुंघरुआ के बोल परी। घोट चाब के तिरछी तिरछी देखन का कर टाला तू, घोट चाब के तिरछी तिरछी देखन का कर टाला तू, दिल पे पड़े बिजली सी है मत हंसे इस डाला तू, मेरे दिल पे पड़े बिजली सी है मत हंसे इस डाला तू, मानुष का दम रे 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 रे, मानुष का दम लिकड़े जिसते मत कर ईसा मखौल परी, दूर दूर तक गूंज रहे तेरे घुंघरुआ के बोल परी, दूर दूर तक गूंज रहे तेरे घुंघरुआ के बोल परी।
दिल्ली बम्बई, दिल्ली बम्बई चंडीगढ़ में सारे के तेरा रोला है, दिल्ली बम्बई चंडीगढ़ में सारे के तेरा रोला है। हमने ते किते देखा ना भाई इसे गजब का गोला रे, हमने ते किते देखा ना भाई इसे गजब का गोला रे। रूप रंग हेरे हेरे रे रे, रूप रंग जवानी चौपन लेरी तू मन मोल परी, दूर दूर तक गूंज रहे तेरे घुंघरुआ के बोल परी, दूर दूर तक गूंज रहे तेरे घुंघरुआ के बोल परी। चम 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 पाया मैं किसी बाज रही रम चोल परी, दूर दूर तक गूंज रहे तेरे घुंघरुआ के बोल परी, दूर दूर तक गूंज रहे तेरे घुंघरुआ। भाई यो आदमी मने ठीक न लगे से। आओ देविका, घबराने की जरूरत नहीं है, आओ आ जा। देख भाई, मारे को तो सिर्फ कागजी कार्रवाई पर भरोसा है, समझे? ले भाई, मारा वकील साहब भी आ गया भाई, बाद में बात करूं सु, बंद कर। नेताजी ठीक हो? अरे फर्स्ट क्लास। फिर क्या परेशानी होगी? अरे के बताऊं भाई, एक ठेकेदार से उसको 20 करोड़ का टेंडर दिलवाया से। मैं चाहूँ कि उसके पेपर देख ली, मैं तो अनपढ़ा। कोई बात नहीं नेताजी, अब मारे खातर इतना कुछ कर रहे सो, हम इतना भी नहीं कर सकते। बताओ किस तरह मिलना है? ये पेपर्स है ना, पेपर किधर किधर रख, ये रहा, यो ले भाई, इसमें उसका नाम पता एड्रेस सब कुछ है, तू देख ले भाई। ठीक है नेताजी, देवका तू बैठ, मैं भी आया। अरे इसकी चिंता ना कर दो भाई, अच्छा। जा अपना काम कर। दिखा भाई तारे पेपर्स। वाह भाई वाह, तारी फाइल तो बड़ी शानदार है, फाइल तो बड़ी सुंदर बनाई है, बिल्कुल थारे। यो आप क्या कर रहे हैं? अरे सुन मारी बात, मैं थारे बेटी जैसे हूँ। अरे सुन मारी बात तो सुन, लेकिन मैं थारे बाप जैसा नहीं। मारे छोरे ने किसी छोरी के साथ रेप करने की कोशिश की, थारे बाप ने उस छोरी की शादी मारे छोरे से करा दी। अब मैं देखूं कि थारे बारे में थारा बाप के पूछे ये करा ये बुरा मान। जा 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 ऊपर जा, मैं भी आ जी। आश्रम के लिए जो चंदा इकट्ठा होया से, उसका जो हिसाब किताब लिखिया से, देख लियो, खान चाचा ने तो कमाल कर दिया। किशोरी लाल जी,
पहले जो मकान गिरवी रखा है उसने छुड़वाओ, जिन लोगों की उधार है उसने उतारो, फिर कुछ पैसा बचे तो उसने बैंक में जमा करवा दियो। जी बाबूजी। बाबूजी परसों होने वाले आश्रम के कार्यक्रम में नेता जी भी आ रहे हैं। हाँ वे खास दोस्त हैं मेरे। बाबूजी। क्यों है बेटी? बेटी ये बात से देविका है? यो क्यों हुआ बेटी? देविका यो क्यों हुआ बेटी? बाबूजी उसका बड़े बुरा मल है। हे राम। नहीं नहीं बाबूजी ऐसा कुछ नहीं हुआ। किशोरीलाल जी। जी बाबूजी। पुलिस इंस्पेक्टर ने फोन लगाओ। जी जी बाबूजी। बस बस बेटी बस। सब इंस्पेक्टर अब है। एजी 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 क्या हुआ आपके साथ? धोखा, विश्वासघात। किसने किसने करिया ये सब? उस कमीने बुरा मल ने। के बुरा मल जी ने? हाँ बदु, आज मैं बाबूजी की बात ने समझाऊ कि सांप तो सांप ही हुआ है। उस वो तो डसे गई, उससे चाहे कितना ही दूध पिला लो। उस कमीने बुरा मल ने हमारी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश करी। अरे और यो क्या कर रहा था हमने? इस छोटी सी बात के पीछे अपना भविष्य खराब कर लिया? अरे राजनीति में तो ये सब आम बात हो गए है। करे कराए पर पाड़ी फेर दिया, खाम खा अपनी टिकट कटवा ली। टिकट तो मैं कटाऊंगा तेरा। आगेर कुड़वा डस लिया तने। मेरी बहन के वास्ते तने यो सोचा? करो क्या ही तने कुलता? करता जीर का कोई अपनी है? रे पावला हो गया क्या तू? ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है तगड़े अकाउंट होल्डर के साथ? खाता बंद करवाओगा क्या तू? अरे यो कमीनी कवास है, अगर हम अपनी बहन ने बुरा बोलते परोस देते तो मेरी लाइफ बन जाती। क्यों ऐसा? मधु इसने मारा गुड़वा पड़वा दिया राजेंद्र। उठ जा। क्यों है वीरेंद्र? क्या बात है? कुछ तो बता। कुछ इस कमीने के बात है? भाई मारे सारे खाते की ऑडिट रिपोर्ट बाबूजी ने मिल गई होगी। टर्मिनेशन होने से पहले वीआरएस ले लेते हैं। मारी करनी का फल मरते मिल गया। देविका की बात ने आज मैं समझा हूँ कि कुणबा क्यों हो वैसे। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ पर ईसा एक साल पहले क्यों नहीं हुआ? श्री कृष्ण ने कहा है जो काम जब होना है तभी होगा। इंस्पेक्टर अभय जी, मेरी तरफ से 3 FIR लॉन्च करो। पहली FIR मेरे बेटे राजेंद्र के खिलाफ, आरोप आश्रम के पैसे की धोखाधड़ी। दूसरी FIR मेरे बेटे वीरेंद्र के खिलाफ, आरोप एक शहीद की पत्नी का पेट्रोल पंप हड़प लिया। और तीसरी FIR MLA भूरामल के खिलाफ, आरोप अटेम्प्ट टू रेप टू माई डॉटर और मेरे बेटे वीरेंद्र के साथ मिलके पेट्रोल पंप में धोखाधड़ी। और एक बात का ध्यान रखियो इंस्पेक्टर अब है, ये तीनों अपराधी से और थारा नजरिया भी इनके लिए यो ही होना चाहिए। जी बाबूजी। चलो चल जल्दी काका तोंद बड़ा। चलो अरे भाई थानेदार कट्ठे जावे तू। अरे पाप क्या तोरे रे इंस्पेक्टर, कित मुंडे ठाल चला रहे है? है न सलूट न सलाम, या बुरा मल की हैलीस है थारे बाप का घर नस है? देख बुरा मल, तेरे ऊपर छोरी थे बलात्कार करने का आरोप है और थारी इज्जत इस समय है कि चुपचाप उठो और मेरे साथ चलो।
इंस्पेक्टर। देख पुरमल, मैं उस जनता का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता जिसने तेरे ऊपर भरोसा करके तेरे तक वोट दिए। आज आई समझ में? यो देख वारंट, यो सरकारी वारंट है। ईव तू कानून के फंदे से कति नहीं बच सकता, समझा? पकड़। उठ, चल, आज का किस जागा? मैं बनाऊंगा तेरा मंत्री। कितना ही बाजेगा? चल, कुत्ते। किस गए साहब, किस बढ़ गए? देखो उधर तो नहीं, चलो चलो उधर देखते हैं, चलो जल्दी जल्दी क्विक फास्ट। राजेंद्र, पूरा बलते दोषी करने का फल मिल गया। पुलिस मारता भी खोज रही है। भाई वीरेंद्र, हमें केवल बाबूजी बचा सके हैं, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए भाई। चल। हाँ चल। राम राम। मारा घर वृद्धाश्रम को बुजुर्गों की निस्वार्थ सेवा भावनाओं को देखते हुए मैं अपने पर्सनल मंत्री कोष से 5,00,000 रुपए देने की घोषणा करता हूँ। क्या बोलूं, दिल में दर्द है, मेरे साथियों की आंखों में आंसू हैं, कदम लड़खड़ाते हैं, कुछ बोलने की ताकत ही नहीं है, जबान में शक्ति नहीं है, ताकत गुफ्तार नहीं है। फिर भी कहता हूं कि अगर इंसान एक बार सोच ले कि उसे ये काम करना है तो दुनिया की कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, उसका रास्ता नहीं रोक सकती। इंसान वो करके रहता है, मगर अपनी नई पीढ़ी से, युवकों से थोड़ी सी परेशानी है, दिल दुखे से उनकी हरकतों पे। उन्होंने बुजुर्गों को तो बिल्कुल कोने में डाल दिया है। दरअसल बात यह है, माँ बाप की कमी वही महसूस कर सकता है जिसके माँ बाप न हो। हमको तो आज भी अपने माँ बाप याद आते हैं। एक दिन वो आवे है सब पर, हर युवक जब उसको बच्चा होवे से उसमें अपनी
भविष्य की खुशियां देखे से हमने भी कदी देखी थी अपने बच्चों में अपने भविष्य की खुशियां। क्या मिला हमको? कुछ नहीं, बस ठोकरें खाते रहे, बस डाके ऐसे फेंक दिया जैसे कचरे के डिब्बे में लोग कूड़ा करकट फेंकते वैसे। जी जी चल आगे चले हैं। ना ज्योति ना, मेरे ऐसे कर्म कहाँ। मैं डॉक्टर अमित आज जो कुछ भी सूं बाबूजी की वजह से सूं। मैं जब 1 साल का था तो भगवान ने मेरे बाबा को मुझसे जुदा कर दिया। भगवान स्वयं बाबूजी के रूप में मेरे जीवन में आए। मैंने गीता में पढ़ा से कि भीष्म के कारण श्री कृष्ण जी का निश्चय टूटा। श्री राम जी ने भी शंभुक वध के लिए अपना निश्चय तोड़ा। परशुराम जी ने भी कर्ण को शिक्षा देकर क्षत्रियों को शिक्षा ना देने का निर्णय तोड़ा। लेकिन मेरे बाबूजी जिन्हें अपनों की ठोकरे और समय की मार भी नहीं डगमगा सकी, मेरे पूजने बाबूजी मेरे लिए तो भगवान से धन्यवाद। आइए बाबू जी। मैं ये तो समझ पाया हूं संस्कार व आदत कुणवाती नहीं हो सकती। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अचंभा क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हम रोज लाखां हजारां प्राणियां ने इस धरती पर मरते हुए देखा सा, पर फिर भी जो शेष बचे प्राणी से हैं वह अपने आप ने सदा जीवित रहने की भूल कर बैठे से, और यही भूल उनने अच्छे मार्ग पर भटका दिए है। आज का जवान यह बात कैसे भूल गया है कि बूढ़ा तो उनने भी होना से, बूढ़ा होना या बीमार होना कोई अपराध नहीं से, कि जिसने लोग तो के अपने भी अछूत समझे हैं। अरे यही तो वो समय से जब सही मायना में अपने की परख हो से और धर्म आगे बढ़े से। राजेंद्र अरे नहीं हट ले, तू रटना। तुम दोनों ने गिरफ्तार करे जावे। बाबूजी, ज्योति, बाबूजी, बाबूजी हम भटक गए थे, मेरे से गलती होगी बाबूजी। मामा इधर सलाह करेंगे बाबूजी। वर्तमारी कर ली की सजा मिल गई बाबूजी। माँ माफ कर दे बाबूजी। बाबूजी आमने माफ कर दो बाबूजी, आम बाड़े का बाबूजी, बाड़ का काम गलती करना और बड़े काम उन्हें माफ कर देना बाबूजी। हमने अपनी गलतियों का एहसास हो गया सर बाबूजी, माफ कर दो बाबूजी, बाबूजी माफ कर दो। रणवीर बाड़क से माफ कर दे। नहीं बाबा, नहीं बाबा जी, नहीं, आप इन्हें माफ नहीं करेंगे। ये सब गुनहगार हैं और इन्हें इनके गुनाहों की सजा मिल के ही रहेगी। दे मस्ट बी पनिश्ड। हाँ बापूजी, यह बात दीदी सही कहा है, इनके बापों की सजा मिलें दो,
बेशक क्यों अपने सगे से। चलो बाबूजी, चलो हटो। जय आप लालच न करते ते आज यो दिन कति ना देखना पड़ता। चलिए पूर्णमास यो मारा, पूर्णमास यो मारा, इस कुणबे का हर सुख मने प्राण ते भी प्यारा, पूर्णमास यो से जब कुणबे की नींव धरी जा धर्म कर्म की हो दीवार, मन और मर्यादा की छत हो संस्काराते हो सिंगार, कुणबा मारा गुलदस्ता से रंग बिरंगे फूलों का प्रेम प्रीत की महक से इसमें गाढ़ा रंग उसूलों का, सींच जिगर के खून ते मैंने दिन दिन इसे संवारा, कुणबास यो मारा, कुणबास यो गए का आदर सेवा हो आपस में गहरा प्यार, सुख में दुख में मिल के रहे जो उस कुणबे का हो धार, जिस कुणबे में एक हो हर संकट उस तेहा